Audio Jungle. Audio Jungle. डेल 3450 का बोर्ड है ये। इसमें जो अभी हम प्रॉब्लम इशू कर आ रहा है, इसमें आप देखिए यहाँ पर एसी अडेप्टर टाइप नन दिखा रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चार्जिंग नहीं ले रहा है। किस तरह का मैसेज आ रहा है? मैसेज कुछ नहीं आ रहा, सीधा चार्जिंग नहीं आ रहा। अंदर में डिटेक्शन हो रहा है जी, डिटेक्शन हो रहा है, चार्जिंग वोल्टेज बन रहा है जी, चार्जिंग वोल्टेज बन रहा है, डिटेक्शन भी हो रहा है, बट चार्ज नहीं हो रहा है, प्लग इन नॉट चार्जिंग का इशू आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर बायोस सेटअप में आए तो देख रहे हैं एसी अडेप्टर टाइप हमें नन दिखा रहा है। तो जब आपके पास इस तरह का मैसेज आता है एसी अडेप्टर टाइप नन, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पीएसआईडी की प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता होगा कि डेल के अडेप्टर में क्या होता है, डेल के लैपटॉप में क्या होता है, पीएसआईडी का कंसेप्ट होता है अडेप्टर के डिटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ का अगर आप मैसेज देखें एसी अडेप्टर टाइप नन, तो यहाँ पर ध्यान रखिए नन जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पीएसआईडी का इशू नहीं है, क्योंकि अगर पीएसआईडी का इशू होता तो यहाँ पर अननोन लिखा आता। फिर दूसरी बात, जब हम इसको ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज आता एसी अडेप्टर वाटेज टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एसी अडेप्टर टाइप नन। तो जैसा कि यहाँ पर ये बोर्ड आया हमारे पास, तो इस बोर्ड में जितना भी था पीएसआईडी से रिलेटेड हर चीज़ देख लिया गया था, आयो चिप को रिप्लेस करके देख लिया गया, PSID की जो लाइन होता है उसको रिप्लेस करके देख लिया गया है। इधर आप देख सकते हैं बार बार ना एसी अडेप्टर टाइप कभी नन आ रहा है, कभी यहाँ पर 65 वॉट आ रहा है। PSID के लाइन में जितना कुछ करना था सब कुछ करके देख लिया गया, DC जैक को भी रिप्लेस कर लिया, BIOS कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ पर अब हमें समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम का कारण क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम का कारण हो, स्टार्टिंग आप अपने बेसिक से करिए, जो आपका पहला स्टेप है उस पहले स्टेप्स को क्लियर करिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में इशू है क्या चीज़। अभी हमारा बोर्ड ऑन हो जा रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर डिस्प्ले है, अगर आप एम्पेयर देखें हमारे डीसी मशीन पे, तो यहाँ पर लग रहा है आपको डिस्प्ले है, बोर्ड हमारा ऑन भी हो रहा है। जब बोर्ड ऑन हो रहा है तो आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरा 19 वोल्ट परफेक्ट है, मेरा डीसी इन एसी इन एसी ओके सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि मेरा बोर्ड ऑन भी हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर हम सोचे लेकिन उस चीज़ को हम ना चेक करो तो हमारी भूल हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कैसे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखिए मेरी जो टेस्टिंग होगी, मेरी टेस्टिंग बिल्कुल यहां से है। अगर हम यहां पर देखें पीएसआईडी का जो पिन नंबर 1 है डीसी जैक, यहां पर हमें क्या चाहिए 3.3 वोल्ट। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहां पर परफेक्ट है 3.3 वोल्ट। ये जो लाइन है हमारी डीसी इन प्लस की है, जो कि हमारे फर्स्ट मॉस्फेट के सोर्स पे जा रहा है, तो यहां पर 19 वोल्ट चाहिए। यहां पर 19 वोल्ट चाहिए, यहां पर मुझे अप्रॉक्स 3.11 वोल्ट चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करेंगे तो 3.11 आएगा, यहां पर भी एग्जैक्ट मुझे 19 वोल्ट चाहिए। ध्यान रखिए किसी भी तरह का लीकेज नहीं, मॉस्फेट इंटरनली शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली टेस्टिंग मेरी कहां जाएगी, इस पॉइंट पे, और दूसरी टेस्टिंग जो मैं करूंगा, मेरी दूसरी टेस्टिंग आएगी सेकंड मॉस्फेट पे। ये मेरा फर्स्ट मॉस्फेट है जो कि मेरा एसी फेट है, और ये सेकंड मॉस्फेट है जो कि मेरा आरबी फेट है। तो सेकंड टेस्टिंग जो होगी मेरी इस मॉस्फेट पे होगी, यहाँ पे भी मुझे 19 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर भी मुझे 19 वोल्ट एग्जैक्टली चाहिए। अब 19 वोल्ट एग्जैक्ट यहाँ पर आए, क्योंकि आप देख सकते हैं आरबी फेट है, इसमें जो हम डायोड की पोजिशन देख रहे हैं फॉरवर्ड में है, तो कोई लीकेज ना हो इसके लिए यहाँ पर मुझे क्या जरूरत है, 1.7 वोल्ट की। अब बोलेंगे 1.7 वोल्ट कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर काम करेगा। ये वोल्टेज डिवाइडर तभी काम करेगा जब ये मॉस्फेट मेरा ऑन कंडीशन में आएगा। तो मेरी जो टेस्टिंग है, पहले मैं इसको बोर्ड पे आपको करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक मैं जा रहा हूँ। ऑफ करिए एक बार, अब इसको हटा देते हैं, हम बैक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा क्वाइल हो गया जो कि 19 वोल्ट की लाइन में है। मैं आपको सबसे पहले पीएसआईडी का भी दिखा देता हूँ वोल्टेज।
ऑन कर दीजिए। अभी आप देखिए मल्टीमीटर पे 3.25 PSID वोल्टेज करेक्ट है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि PSID लाइन में मैक्सिमम जो करना था वो देखा जा चुका है। इस कॉइल पे देखिए वोल्टेज क्या आ रहा है, वोल्टेज की रीडिंग को आपको नोट करना है। यहाँ पर देखिए 18.8 समथिंग है। फर्स्ट मॉस्फेट की बाइसिंग मैं चेक करूँगा गेट की, तो गेट की बाइसिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास 3.11 आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मेरा 3.07 मीन्स 3.11 आ रहा है। लीकेज तो नहीं फर्स्ट मॉस्फेट में, वो चेक करता हूँ मैं। 18.82 एग्जैक्ट वोल्टेज है, कहीं कोई लीकेज नहीं, मीन्स मेरा फर्स्ट मॉस्फेट क्लियर है। अब मैं सेकंड मॉस्फेट पे आऊँगा जो कि मेरा RB फेट है। सेकंड मॉस्फेट के लिए हम आए, सबसे पहले इसका हम देखते हैं कोई लीकेज तो नहीं। ये CLR पॉइंट पे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज को। अगर आप यहाँ पे गौर करें 18.14 बोर्ड हमारा ऑन हो रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लीकेज है। आना चाहिए था 18.8 लेकिन आ क्या रहा है मेरा 18.14, मीन्स 0.5-0.6 वोल्ट का लीकेज है। इस लीकेज का कारण क्या हो सकता है? इस लीकेज का कारण अगर मैं इसका गेट बाइसिंग देखूं तो यहाँ पर मुझे 1.7 वोल्ट चाहिए था। चलिए इसका गेट का हम देखते हैं। और से देखिए गेट वोल्टेज आना चाहिए था 1.7 बट आ क्या रहा है 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट आने का कारण क्या है कि देखिए जब फर्स्ट टाइम यहां पर 19 वोल्ट आया तो वो इस डायोड से होके गुजरेगा। जब इस डायोड से होके गुजरेगा तो यहां पर आ गया एक लीकेज, क्योंकि हमें पता है कि डायोड यहां पर लीकेज करेगा। तो ये यहां पर ये बन गया 18.2 वोल्ट समथिंग, और ये 18.2 वोल्ट ही यहां पर इस रजिस्टर से होता हुआ डायरेक्ट यहां पर आ रहा है। अभी क्या है कि यहां पर मुझको 18 वोल्ट मिल रहा है, जबकि मिलना क्या चाहिए था 1.7 वोल्ट। ये 1.7 वोल्ट तभी मिलेगा जब ये रजिस्टर भी मेरा फंक्शन में आएगा और इस रजिस्टर को मिलेगा एक ग्राउंड। ये ग्राउंड तब मिलेगा जब ये मेरा ऑन होगा। और ये मैं अगर इसकी कनेक्टिविटी देखूं इस मॉस्फेट के, तो इस मॉस्फेट की कनेक्टिविटी मेरी कहां आ रही है, इस कनेक्टिविटी को हम देखते हैं। ये कनेक्टिविटी है मेरी ACOK के पाथ पे। देखिए ACOK के पाथ पे, ACOK के पाथ पे जैसा कि मैं पहले से पता है कि ये हमारा जो चार्जिंग IC है ISL सीरीज की चार्जिंग IC है। अगर मैं इसके सीक्वेंस को लेके चलूं, DC इन मेरा एग्जैक्ट 19 वोल्ट होना चाहिए, AC इन मेरा अगर वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करें तो 3 वोल्ट के अप्रॉक्स जाएगा। सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस में मेरा यहाँ पर VDDP मीन्स LDO ये 5 वोल्ट जाएगा, VCC ये 5 वोल्ट जाएगा, देन मेरा क्या आएगा रेफरेंस अप्रॉक्स 3-4 वोल्ट इसको जाना चाहिए। अब ये सारी कंडीशन ओके है तो फिर ACOK मेरा हाई इम्पीडेंस पे होगा। और ACOK पे क्या बनेगा, अगर हम इस वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करें तो इसके मुताबिक क्या बनेगा 3.3 वोल्ट अप्रॉक्स। और यही वोल्टेज जब मेरा इस मॉस्फेट के गेट पर आएगा तो ये मॉस्फेट मेरा ऑन कंडीशन में आ जाएगा, तब जाके मेरा यहाँ पर 1.7 वोल्ट बनेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि क्या मेरा ACOK करेक्ट है। तो ACOK की जो पिन है पिन नंबर 13, चलिए मैं पिन नंबर 13 चेक करता हूँ। बैक साइड में जाना होगा, पिन नंबर 13 मेरा ये हो गया। आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर वोल्टेज क्या है 0.98, जबकि मुझे क्या चाहिए था 3 वोल्ट अप्रॉक्स चाहिए था। तो पहली प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पर नजर आ गई। अब ये प्रॉब्लम है, अभी मैं इधर कहीं भी डाउट नहीं कर सकता। इसलिए डाउट नहीं कर सकता कि अगर मेरा DC इन AC इन LDO VCC VDDP कहीं भी कोई इश्यू होता तो ये मेरा क्या हो जाता, लो इम्पिडेंस पे आ जाता। तो चूंकि मेरा लो इम्पिडेंस पे तो है नहीं, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ DC इन AC इन सब कुछ मैं चेक कर लेता हूँ। DC इन मेरा पिन नंबर 22 है, पिन नंबर 22 हमारा हो गया 7, 7, 14, 21, 1, 22। देखिए DC इन ओके, DC इन मेरा लगभग ओके जा रहा है। देन AC इन चेक करता हूँ पिन नंबर 2, ये भी मेरा लगभग ओके जा रहा है।
वोल्टेज डिवाइडर के मुताबिक जो वोल्टेज बनना चाहिए था वो वोल्टेज मेरा बन रहा है। देन मुझे क्या चेक करना है, वीडीडी पी पिन नंबर 21। ये भी मेरा 5 वोल्ट जा रहा है, परफेक्ट है। देन मुझे पिन नंबर 26 देखना है, वीसीसी पिन नंबर 26, ये भी मेरा परफेक्ट है। देन मुझे क्या चेक करना है, पिन नंबर 3 रेफरेंस वोल्ट, ये भी परफेक्ट है 3.18। तो मतलब यहां कोई इशू है नहीं, चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देखा जा चुका है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन में ही प्रॉब्लम है। हो सकता है ये रजिस्टर मेरा इशू क्रिएट कर रहा हो, इस रजिस्टर को भी रिप्लेस करके देखा जा चुका है। हो सकता है ये मॉस्फेट मेरा इशू क्रिएट कर रहा हो। अब मुझे इस बात को कंफर्म करना है, क्या ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस एडाप्टर टाइप नन, क्या वो इसी लाइन की प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, प्रॉब्लम यहां पर आयो चिप भी कर सकता है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को आगे लेके जाऊं हम देख सकते हैं यहां पर ये डायोड से होते हुए आयो चिप से कनेक्टिविटी है। हो सकता है आयो चिप यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो इस डायोड को हटा के हम कंफर्म कर लेंगे। हो सकता है ये जो हमारा पावर स्विच लॉजिक वाला सर्किट है इसमें जो 218 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो इसको भी हम हटा के देख लेंगे। हो सकता है इशू मेरा ये कर रहा हो, तो इसको भी हम हटा के देख लें। मतलब यहाँ पर 3-4 पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट लेकर के देखता हूँ कि वो शॉर्टकट मेरा काम करता है कि नहीं काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा कितना बनना था, अप्रॉक्स 3 वोल्ट बनना था। तो यहाँ पर पिन नंबर 11 जो हम देख रहे हैं 3 वोल्ट ऑलवेज का है, मैं यहाँ पर फिलहाल पिन नंबर 11 और 13 को आपस में ट्विजर से शॉर्ट करूंगा और कंफर्म करूंगा कि क्या अगर यहाँ पर 3 वोल्ट होता तो क्या ये मेरा प्रॉब्लम होता जो कि एसी अडेप्टर नन दिखा रहा है। तो इस चीज को हम कंफर्म करते हैं। बोर्ड को ऑन कर दीजिए, ये लगा लीजिए एक बार। ऑफ करिए अभी नहीं। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए मैं पिन नंबर 11 और 13 को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो पिन नंबर 11 हो गया मेरा, ये 7 है, 8, 9, 10, 11, 11 नंबर ये हो गई। पिन नंबर 13 हो गई मेरी ये वाली, चलिए ऑन कर दीजिए और हम अब देखते हैं स्क्रीन पे कि मेरी जो नन की प्रॉब्लम है सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अगर आप देखें एसी एडाप्टर टाइप क्या आ रहा है, 65 वॉट। मतलब मेरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, यही है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए था जो कि नहीं है। वोल्टेज क्या है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम। वोल्टेज क्या आ रहा है एक्चुअल में, देखिए अभी फिर से नन हो गया। जैसे मैंने इस लाइन को हटाया ये फिर से नन हो गया। मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम कहाँ मिल रही है, इसी पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें पिन नंबर 13 जो एसी ओके है, एक्चुअल में वोल्टेज क्या है 1.17। तो इसी वोल्टेज के कारण ये जो यहाँ पर 1.17 आ रहा है, तो मेरा जो ये वाला मॉस्फेट है, ऑफ कर दीजिए फिलहाल, ये वाला जो मॉस्फेट है वो मेरा ट्रिगर नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा है। ये मॉस्फेट ऑन नहीं होने की वजह से ये रजिस्टर कोई काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर गेट पे क्या बन रहा है 19 वोल्ट। जैसा कि आपने पता होगा ये मेरा कौन सा मॉस्फेट है, पी चैनल। तो पी चैनल को चाहे आप रिवर्स में यूज करो चाहे फॉरवर्ड में यूज करो, गेट बाइसिंग के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। कभी आप ये मत सोचिए कि अगर ये मेरा रिवर्स बाइसिंग में है तभी गेट को मैं देखूंगा। अगर ये फॉरवर्ड में भी है, अगर गेट की बाइसिंग प्रॉपर नहीं है तो ये लीकेज करेगा। आप चाहते हो कि लीकेज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक ना एक नेगेटिव तो देना है। अभी मैं आपको इसका लीकेज कंफर्मली दिखा सकता हूं कि अगर मैं इस पिन नंबर 4 को एक नेगेटिव दूं, ग्राउंड दूं, तो
यहाँ का लीकेज मेरा खत्म हो जाएगा। इस चीज को भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ अभी। फिलहाल इसको हटा दीजिए, मुझे आपको इस चीज को साबित करना है। मल्टीमीटर का प्रॉब मैंने यहाँ पे लिया और मुझे इसको एक नेगेटिव दे करके कंफर्म करवाना है आपको कि अगर मैं पी चैनल मॉस्फेट के गेट को नेगेटिव देता हूँ तो ये फुल सैचुरेशन मोड में आ जाएगा और मेरा कोई लीकेज नहीं होगा। ऑन करिए, देखिए इधर 18.98 क्लियर हो गया ना। गेट बायसिंग का क्या रोल है क्लियर हो गया, पी चैनल का गेट का क्या कंसेप्ट है क्लियर हो गया। मैंने यहां पर क्या किया, गेट को नेगेटिव कर दिया, मेरा लीकेज खत्म हो गया, करेक्ट। तो ये भी हमें प्रूफ मिल गया जो हमने पी चैनल में पढ़ा था। ऑफ करिए, क्योंकि अगर मान के चलिए ये लीकेज रहेगा तो इस लीकेज की वजह से भी मेरी बैटरी क्या जाएगी, चार्ज नहीं होगी। इस लीकेज की वजह से भी पॉसिबल है मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी, है ना। तो यहां पर सिंपल शॉर्टकट, हमें नहीं पता स्कीमेटिक, हमें नहीं पता कि क्या होता है स्कीमेटिक, लेकिन अगर मुझे केवल इस मॉस्फेट का कंसेप्ट क्लियर है, चार्जिंग का कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है तो मैं अपनी शुरुआत कहां से करूंगा, मॉस्फेट से, जो भिन्न के दोनों मॉस्फेट से है, और ये समझने की कोशिश करूंगा कि एडाप्टर पे अगर 19 वोल्ट है तो यहां पर भी क्या चाहिए मेरे को, 19 वोल्ट चाहिए। एक तो ये, दूसरा क्या समझना है, गेट मेरा अकॉर्डिंग टू मॉस्फेट होना चाहिए। अगर एन चैनल मॉस्फेट है तो हाई वोल्टेज आता है, पी चैनल मॉस्फेट है तो कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी नेगेटिव से होनी चाहिए। तो नेगेटिव से होने के लिए, जैसे कि यहां पर नेगेटिव कौन देगा, ये मॉस्फेट देगा। हम वोल्टेज डिवाइडर देखते हैं, वोल्टेज डिवाइडर में भी क्या होता है, एक रजिस्टर नेगेटिव होता है ना, ग्राउंड होता है ना, तो वो रजिस्टर वहां पर नेगेटिव देता है, ठीक है। वो सर्किट नहीं भी है और अगर मैं इस गेट को डायरेक्ट भी नेगेटिव दूं तो भी मेरा ये फुल सैचुरेशन मोड में आएगा पी चैनल मॉस्फेट और बिना लीकेज के वोल्टेज को पास करेगा। तो यही होता है कि चार्जिंग के केस को जब भी आप देखें तो पहले आप वोल्टेज का लीकेज चेक करें कि वोल्टेज का लीकेज नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ड्रेन टू सोर्स कभी भी मेरा मॉस्फेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है तो कोई ज्यादा इफेक्ट तो आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमें शॉर्टिंग का कंडीशन मिलेगा, कंडीशन क्या मिलेगा, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, हो सकता है मेरा बोर्ड ऑन भी हो जाए, डिस्प्ले भी आ जाए, बात समझ रहे ना। और गेट बायसिंग मेरी प्रॉपर होनी चाहिए।